हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। टुडे वी विल डू एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन का एडिशन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ता है। 3 और 8 का एलसीएम आ रहा है यहाँ पर 24। सो 3 के टेबल में 24 आता है 8 टाइम्स, सो 4 भी 8 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स आता है, तो 7 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। नाउ अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन के बाद नंबर्स का एडिशन होगा। एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, 32 प्लस 21 विच इज 53। नाउ लेट्स डू सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। यहां पर हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि 2 8 16 16 प्लस 1 विच इज 17 अपॉन 2, एंड द नेक्स्ट वन इज 29 अपॉन 8। दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, दोनों का एलसीएम 8 आएगा। नाउ 2 के टेबल में 4 टाइम्स 8 आता है, तो 17 भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली 8 के टेबल में 1 टाइम्स 8 आता है, तो 29 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17 इंटू 4 विच इज 68 and 29 into 1 which is 29 upon 8. Now अब subtraction करेंगे। subtract करके हमारा answer आएगा 39 upon 8। so ये हमारा हो गया subtraction of fraction। now we will do simplification। इसमें addition और subtraction दोनों का ही mixture रहेगा। 12, 18 और 9 इनका LCM 36 आ रहा है। 12 थ्री ज़ा तो 5 थ्री ज़ा होगा, 18 टू ज़ा तो 1 टू ज़ा, और 9 फोर 36, तो 2 भी जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा। नाउ 5 थ्री ज़ा विच इज 15, वी विल पुट द प्लस साइन, 2 माइनस 8 अपॉन 36। पहले एडिशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बोर्ड मास। पहले हम लोग एडिशन करेंगे विच विल बी 17 माइनस 8 अपॉन 36, एंड हमारे पास हमारा आंसर मिल जाएगा जो कि 9 बाई 36। इट्स वेरी इजी। जिस तरह से एडिशन होगा उस तरह से सब्ट्रैक्शन भी होने वाला है, ज़्यादा कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। नाउ अगला सम्स करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। थर्टी वन बाई फोर माइनस 23 अपॉन 6 प्लस 7 बाई 8। नाउ हमारा जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम होगा 24। नाउ 4 6 ज़ा 24, तो 31 6 ज़ा, 6 4 ज़ा तो 23 4 ज़ा, 8 3 ज़ा मीन्स 7 को भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना आएगा, दैट विल बी 186। 31 इंटू 6 विच इज 186, एंड 92 प्लस 21 अपॉन 24। 186 और 21 दोनों ही प्लस साइन का है, तो हम इन दोनों को साथ में ऐड कर देंगे, और 92 माइनस है उसे अलग कर देंगे। तो पहले एडिशन हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोगों को करना होगा सब्ट्रैक्शन। 207 माइनस 92 विच इज 115 अपॉन 24। आई होप इट क्लियर्स। नाउ अगला सम्स। सबसे पहले हम लोगों को वही काम करना है, मिक्स फ्रैक्शन से हम लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना नहीं आता, तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप लोग देख सकते हैं जिसे मैंने सिखाया है। अब हम लोग सारे डिनोमिनेटर्स का हम लोग एलसीएम लेने वाले हैं। सो एलसीएम आ रहा है 600। 49 8 के टेबल में 75 टाइम्स में 600 आता है, एंड 12 के टेबल में आता है करीब
50 टाइम्स, तो 25 by 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 के टेबल में करीब आता है 60 टाइम्स, 10 के टेबल में 660 टाइम्स आता है। और सिमिलरली 25 के टेबल में ये करीब आता है 24 टाइम्स। नाउ मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, ये थोड़ा लेंथी मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। एज यू कैन सी 3635 माइनस 1250 माइनस 3060 एंड प्लस का साइन यहाँ पर है, सो इट इज 1968 एंड अपॉन 600। नाउ 3635 1968 दोनों को ऐड करना है और माइनस 1250 3060 दोनों माइनस में है, इन दोनों को ऐड करना, प्लस वाले एक जगह माइनस वाले एक जगह हो जाएंगे। सो 3635 प्लस 1968 विच इज 5603 और 1250 माइनस 3060 विच इज 4310 दोनों ऐड हो जाएगा सब्ट्रैक्शन वाले। अब हम लोगों को साफ साफ दिख सकता है कि हम लोगों को सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है, 5603 माइनस 4310 विच इज 1293 अपॉन 600, ये हमारा आंसर आ गया। हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोगों को इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। 600 टू ज़ा विच इज़ 1200, हमारे पास जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे हम लोग ऊपर लिख देंगे और जो डिविज़र है उसे नीचे लिख देंगे, तो हमारे आंसर मिल गया 293 अपॉन 600।